All right, guys. Hello and welcome everyone to Siksha. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको वीडियो टाइटल से पता चल ही गया होगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉइल हेल्थ कार्ड. ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड ये एक क्वेश्चन आपके नाबार्ड के पेपर के अंदर भी मॉर्निंग शिफ्ट वाले में पूछा गया था, है ना. तो सॉइल हेल्थ कार्ड को यहाँ पर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्दर देखो 2015 की आई हुई स्कीम है. अब बच्चे कहते हैं कि सर वो तो करंट अफेयर का, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है बेटा. ठीक है, आप कहना चाहो उसको करंट अफेयर में कह लो, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहते ही रहते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी जब मैं डिस्कस कर रहा था अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब भी मैंने आपको बोला कि ये जो मिथ आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है ना कि 4 मंथ्स का करंट अफेयर पूछा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. और सॉइल हेल्थ कार्ड को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ताकि अगर मेंस में कुछ आंसर राइटिंग में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, या आपका नबार्ड ग्रेड बी का पेपर भी निकलने वाला है, ठीक है, 15 तारीख को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. दो एक तरह से नबार्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट तो डाल दिया, लेकिन नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन 15 तारीख को आएगा और फॉर्म फिलिंग भी तब से ही शुरू होगी. उसके अंदर भी आपको काम आ सकता है ये IBPS AFO वगैरह के अंदर, तो वो सब के अंदर आपको काम आएगा. PDF आपको इसकी टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करके कोई डाउट है पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए लेट अस क्विकली स्टार्ट. एंड 2000+ डिटेल्ड MCQs का बेटा नॉन MCQ कोर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण इसने एक भूमिका अदा की है. जिन बच्चों ने सारे टेस्ट किए थे जो अवेलेबल थे वेबसाइट के ऊपर, तो उनके लिए तो एक केक वॉक था नबार्ड ग्रेड ए का पेपर. तो आगे के लिए भी आप IBPS AFO या किसी भी, और धीरे धीरे इसमें 2000+ के बाद अब 3000 4000 5000 की जर्नी शुरू हो जाएगी. एंड प्राइस अभी काफी इसका कम हमने रखा हुआ है, एंड अभी तो 50% ऑफ भी इसके ऊपर हम चला रहे हैं. हैप्पी 50 कोड यूज करेंगे. तो आगे चल करके ये डेफिनेटली इट विल गेट एक्सपेंसिव जब इसके अंदर 3000 या 4000 या 5000 MCQs तक हम पहुंच जाएंगे. चलिए सॉइल हेल्थ कार्ड को क्विकली शुरू करते हैं. सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे. बेसिक से लेकर के पूरी डिटेल स्कीम की हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं. तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया था. कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किसने की थी. सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था 2015 के अंदर. देखो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं तो उसके अंदर वो लॉन्च ईयर पूछ ही लेता है कि कौन से साल में लॉन्च हुई थी. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. और जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी, उस समय पे उन्होंने स्लोगन दिया था, स्वस्थ धरा खेत हरा, हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म, ये उन्होंने स्लोगन दिया था. अब जैसे क्वेश्चन बनाने को वो क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है, दैट स्वस्थ धरा खेत हरा इज एसोसिएटेड विद विच स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, डेफिनेटली अ क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस. ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को बेसिकली यहां पर असिस्टेंस प्रोवाइड करने को टारगेट रखती है ये स्कीम. सॉइल हेल्थ कार्ड ऐसा नहीं था कि कुछ नया लेकर के आ गई थी सरकार 2015 में. सॉइल हेल्थ कार्ड की बातें बहुत पहले से चल रही थी कि एक सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए. काफी सारी स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा था, लेकिन सारी स्टेट्स के अंदर नहीं था. और सारी स्टेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर जिनके अंदर हो रहा था, बड़े डिफरेंट तरीके से हो रहा था, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं थे. तो सरकार ने बोला कि यार चलो हम एक ना यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड भी सेट कर देते हैं इस स्कीम के थ्रू. सॉइल हेल्थ कार्ड आप जानते हो इसका बेसिक, कि इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को न्यूट्रिएंट स्टेटस के ऊपर, कि सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, और उस न्यूट्रिएंट स्टेटस के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि क्या डोजेज फर्टिलाइजर का यूज होना चाहिए. ये बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि ओवर यूज या अंडर यूज दोनों की प्रॉब्लम ना हो, एंड अल्टीमेटली फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी, यील्ड भी इंप्रूव होगा, फूड सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी, एंड सस्टेनेबल वे में एग्रीकल्चर भी ग्रो करेगा. ठीक है जी, जब इंडिया के अंदर ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेकर के आई गई, 2015 को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 2015 में आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल सेलिब्रेट किया गया था. इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछ लेता है कि आपका इंटरनेट, अब ये मत सोचना कि 2015 तो पुरानी बात होगी तो वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल नहीं पूछ सकता. जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरनेशनल ईयर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट थीम आपके एग्जाम की रहेगी. मैं जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ईयर्स है ना, उसका मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक इमेज बना करके ना उसको एज अ कम्युनिटी पोस्ट कर डाल देने वाला हूं.
ठीक है, एज अ कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा और टेलीग्राम के ऊपर भी डाल दूंगा, तो उसको अपने पास सेव करके रख लीजिएगा। चलो ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं स्कीम की। सबसे पहले तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये हर 2 साल में इशू किया जाएगा सभी किसानों को, ताकि उनको जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज वगैरह है फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस के अंदर वो रिकमेंड किया जा सके। ये 2 ईयर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इस स्कीम ने क्या ऑब्जेक्टिव अपने लिए सेट किया, दूसरी चीज थी कि जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज देखो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, ऐसा नहीं था कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज थी नहीं, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज तो थी, लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए, क्योंकि अब नेशनल लेवल के ऊपर स्कीम को प्रमोट किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि हर किसान को हमने किसान हेल्थ कार्ड देना है, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे एक्सपर्टीज को लेकर के आया जा सके स्टूडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरीज में, उसके लिए क्या किया कि जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो मेंबर्स हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो मेंबर हैं, उनको इन सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के साथ लिंक कर दें, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। ठीक है जी। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कीम के आने से पहले काफी सारी स्टेट्स के अंदर ये सॉइल हेल्थ कार्ड का मैकेनिज्म जो है वो चल रहा था अलग अलग नामों से, लेकिन देखा क्या गया कि प्रोसीजर जो है वो हर स्टेट का अलग था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी सैंपलिंग के अंदर। तो सरकार ने क्या कहा कि हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से ना एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर लेकर के आएंगे, जिससे सारी स्टेट्स के अंदर एक ही प्रोसीजर से यूनिफॉर्मली टेस्टिंग होगी। ठीक है, ताकि कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो है वो डिजाइन हो सके। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव था कि सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, कि सॉइल के हिसाब से न्यूट्रिएंट को मैनेज किया जाएगा। वन यूज फॉर्मूला फॉर एवरी प्लेस विल नॉट बी डन। अब जानते हो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है हर एरिया के अंदर, तो आप एक सिंपल, आपको कोई बोल दे कि यार न्यूट्रिएंट जो है वो 1:2:1 में ही यूज करना है या 4:2:1 में ही यूज करना है, तो हाउ कैन दैट बी डन, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सॉइल की कंडीशन अलग अलग है, आपकी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं ना। तो अल्टीमेटली सॉइल टेस्ट जो है वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखेगा एंड अल्टीमेटली उससे प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी जो है वो ड्राइव की जाएगी। अब यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि किसान को बता दिया कि हाँ भाई तेरे को ये करेक्टिव मेजर लेने हैं, सरकार कहती है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे। हम फार्मर को जो करेक्टिव मेजर्स किसान क्रेडिट किसान जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड ना कई बार मैं टर्म मिक्स करके बोल देता हूं, है ना, क्योंकि थोड़ा सेम साउंडिंग्स है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर सरकार क्या कह रही है कि तुम्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, जो ये करेक्टिव मेजर्स हम बता रहे हैं, जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए हम तुमको पैसा भी देंगे, ठीक है, ताकि तुम इंटीग्रेटेड वे में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो अपने खेत के अंदर लेकर के आ सको। डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट लेवल के ऊपर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल स्टाफ है, उनकी कैपेसिटीज को भी बिल्डअप करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे उन लोगों को काम करना है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे फार्मर के साथ उन लोगों को काम करना है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल स्टाफ की कैपेसिटीज को भी इंप्रूव करना है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के की फीचर्स क्या है वो देख लो। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या कहता है, ये एक तरह की प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड जैसा कार्ड नहीं है, एक प्रॉपर रिपोर्ट बनकर के आती है जो किसान को दी जाएगी, उसके अंदर उसके सॉइल का पूरा स्टेटस रहेगा, और मेनली ये जो स्टेटस है ये 12 पैरामीटर्स के ऊपर है। ठीक है, 12 सॉइल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर मेनली ये स्टेटस रहता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिनको आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हो वो आ जाएंगे, आपका सल्फर जो आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरन जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और इसके अलावा सॉइल का पीएच, ठीक है, जो आपकी एसिडिटी, अल्कलिनिटी वगैरह के लिए, ईसी एंड ओसी, ठीक है, ये आपके फिजिकल पैरामीटर्स हो गए। ईसी होता है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब एक छोटा सा होमवर्क आपका ये है कि आपको ओसी बताना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कमेंट के अंदर मेरे को ये बताना है कि ये ओसी क्या होता है। ओके, ऑलराइट। Now based on this soil health card will also indicate fertilizer recommendation कि क्या डोज में आपको फर्टिलाइजर करना है या soil amendment आपको कुछ करना है, जैसे अगर soil के अंदर आपका acidic ज्यादा है या alkaline ज्यादा है तो आप किस तरीके से उस soil की recovery कर सकते हो, वो सारी चीजें ये recommend करेगा। ठीक है जी। उसके बाद सरकार का टारगेट है कि सारे फार्मर्स को इस स्कीम के अंदर कवर किया जा सके और ये स्कीम पूरे के पूरे देश के अंदर लागू है। अब सैंपलिंग का नॉर्म क्या है, बेसिकली किस तरीके से सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सॉइल का सैंपल कलेक्ट करने के लिए सरकार ने एक सिंपल सा फंडा बना रखा है। अगर तो इरिगेटेड एरिया है, इरिगेटेड एरिया में सरकार जो है एग्रीकल्चरल लैंड को 2.5-2.5 हेक्टेयर के
के ग्रिड में बांट देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा सा लैंड है, ठीक है, अब इसके अंदर सरकार क्या करेगी, ढाई ढाई हेक्टेयर में इस तरीके से लैंड को डिवाइड कर देगी और हर ढाई हेक्टेयर में से सैंपल जो है कलेक्ट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट क्रिएट किया जाएगा इरिगेटेड एरिया में। और जो रेनफेड एरिया है यानी कि जो रेनफॉल डिपेंडेंट एरियाज हैं, जो अनइरिगेटेड एरियाज हैं, वहां पर 2.5 हेक्टेयर की जगह जो ग्रिड साइज होगा वो 10 हेक्टेयर का होगा, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर जीपीएस टूल्स, रेवेन्यू मैप्स वगैरह का यूज किया जाएगा। सरकार कहती है कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी एक आइडियल टाइम होता है, ठीक है। तो सॉइल सैंपल जनरली साल में दो बार लिए जाते हैं, एक तो जब आपका रबी क्रॉप हार्वेस्ट हो गया, दूसरा आपका खरीफ। क्योंकि देखो हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप है डेफिनेटली उसने जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको एग्जॉस्ट किया होगा, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार फसल कटने के बाद इतना न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो गया है, और आपको एक राइट रिक्वायरमेंट सॉइल की पता चल जाती है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है। ये सारे ना पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे नबार्ड में इस बार आपने देखा होगा पेपर के अंदर जो बच्चे देकर के आए हैं कि स्टेटमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बड़े सारे थे कि जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू सॉइल हेल्थ कार्ड एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड जनरली जब स्टैंडिंग क्रॉप नहीं होगा फील्ड में तब बेसिकली ये सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं हार्वेस्ट के बाद, ओके जी। एंड फार्मर से सॉइल सैंपल्स कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर भी थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। ट्रेंड पर्सन सॉइल का सैंपल कलेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि आप दफ्तर में बैठे हो और आप किसान को बोल दो जा थोड़ी सी मिट्टी खोद ला, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसका प्रॉपर एक तरीका होता है। तो सॉइल सैंपल कलेक्ट ये नहीं है कि ऊपर ऊपर का आपने सॉइल उठा लिया, 15 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ में से आपने सॉइल जो है कलेक्ट करना है। और इसके लिए क्या है, आपको वी शेप के अंदर आप एक कटिंग करोगे सॉइल में, ठीक है, लैंड के अंदर वी शेप में कटिंग करोगे फॉर कलेक्टिंग द सॉइल, ओके। और वी शेप में कटिंग करने के बाद एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जो आप सॉइल कलेक्ट कर रहे हो ना वो आपने किस तरीके से करना है, जैसे ये आपका लैंड है, ठीक है, तो आपको चारों कॉर्नर्स पे से इसी तरीके से वी शेप में क्रिएट करके सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है और एक सेंटर में से, ठीक है। और एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जहां पर छाया है, जहां पर शेड है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर यहां पर ट्री है, ट्री की वजह से ये शेडेड एरिया है, तो जो शेडेड एरिया है वहां से आप सॉइल नहीं कलेक्ट करोगे, ठीक है जी। सैंपल को आप कलेक्ट करके प्रॉपरली उसको बैग में डाल के उसके ऊपर कोड वगैरह लगाओगे एंड देन उसको फिर सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी के अंदर दे दिया जाएगा। पेमेंट कितनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट देती है हर सॉइल सैंपल के लिए, तो 190 रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है पर सॉइल सैंपल, ठीक है। इसके अंदर जो है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन आ गया, टेस्ट आ गया, फिर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, तो फंडिंग सारी की सारी सेंटर से आ रही है। 190 रुपए दिए जाते हैं हर सॉइल सैंपल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। इस तरह के कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन फिर बच्चे होते हैं कहां से आ गया, बेटा इसका सोर्स मैंने कहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने सॉइल हेल्थ कार्ड की वेबसाइट पूरी की पूरी छांट दी और सारे छोटी छोटी चीजें निकाल दी, ये पीआईबी में से निकाला है। ये जो पूरी की पूरी पीपीटी बनी हुई है, ये जो पूरे का पूरा लेक्चर आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ पीआईबी से बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ पीआईबी से, पीआईबी प्लस थोड़ा बहुत जो रिसोर्स है वो इंटरनेट से, लाइक फ्रॉम वेबसाइट, लाइक जैसे एक काफी अच्छी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ही उसको बेसिकली हैंडल करती है, विकासपीडिया, वहां से भी आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन विकासपीडिया का एक प्रॉब्लम है कि उस पर कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो आउटडेटेड होती है, तो वो आपको चेक करना पड़ता है कि जो ये इंफॉर्मेशन है वो लेटेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो पीआईबी मेन, जो मेन सोर्स है वो पीआईबी है, ओके। तो अल्टीमेटली लेकिन मैं ये जो पीआईबी फाइल्स बना करके बच्चों को देते हैं या सेल करते हैं उसमें भी आपको ये मिलेगा नहीं पार्ट पीआईबी में। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फार्मर को सबसे ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि वो अपने सॉइल की स्टेटस को जान करके ये डिसाइड कर सकता है कि यार कौन सी क्रॉप उसको ग्रो करनी है, ठीक है, और कौन सी क्रॉप उसको स्किप करनी है। ऑलराइट, साथ ही साथ अथॉरिटी सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर मैकेनिज्म ऐसा है कि सॉइल को रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है टेस्ट किया जाएगा, रेगुलर रिपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तो किसान को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार विद इन टाइम मेरा तो स्टेटस चेंज हो गया होगा सॉइल का, अब मैं कैसे रिलाई करूं। तो 2 साल का प्रोविजन है ना कि हर 2 साल में, इसीलिए उसको रखा गया क्योंकि जो रिपोर्ट है वो चेंज हो सकती है। ऑलराइट, एंड साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार का काम सिर्फ रिपोर्ट को बना करके देना नहीं है, सरकार एक्सपर्ट्स को भी साथ में लगाती है ताकि रिपोर्ट तो बन गई उसके बाद वो एक्सपर्ट फार्मर को हेल्प करेगा कि हाँ भी करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि रिपोर्ट बना बना करके दे दी, अब देख लो तुम्हें जो करना है, नहीं,
गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग करेगी, गवर्नमेंट जो है फार्मर को साथ में लेकर के चलेगी कि हाँ यार ये चीजें इंप्रूव करनी है हमको। की अचीवमेंट्स की बात करें, ये सिर्फ डेटा है, ये आपके ऑब्जेक्टिव आंसर के अंदर हेल्प करेगा, जो नबार्ड के मेंस के आंसर लिखेंगे बच्चे फेस टू के, ठीक है। साइकिल वन में इतने सॉइल हेल्थ कार्ड इशू हुए थे, साइकिल टू में इतने इशू हुए, ये अभी तक हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है। उसके अलावा लैब्स सेट किए, मिनी लैब्स सेट किए, अगर इसमें से कोई पॉइंट याद रह जाता है तो आप डेफिनेटली उसको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सरकार जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के साथ साथ एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम भी रन कर रही है, जिसके अंदर फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो सारी प्राइमरी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब एडेड होते हैं, तो ताकि एक बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो कंट्री के अंदर, ये स्कीम सरकार प्रमोट कर रही है। अभी तक सरकार ने अराउंड 21 फर्टिलाइजर्स को एनबीएस स्कीम के अंदर एड किया है। एंड अगर हम बात करें फोर्टिफाइड या कस्टमाइज फर्टिलाइजर की, तो सरकार ने अराउंड 35 कस्टमाइज और 25 फोर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स को नोटिफाई किया है अभी तक, जो यूज किए जा रहे हैं, ठीक है जी। उसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम एक तरीके से जॉब क्रिएट करने का भी काम कर रही है रूरल सोसाइटी के अंदर, एग्रेरियन यूथ के लिए। विलेज यूथ फार्मर्स 40 ईयर्स की एज तक के जो है उनको वो एलिजिबल हैं कि वो सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज जो है वो सेटअप कर सकें, और जो लेबोरेटरी कॉस्ट आती है अराउंड आपका 5 लाख की लेबोरेटरी कॉस्ट आती है, और इसके अंदर भी 75% की जो फंडिंग है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपकी स्टेट्स हैं जहां पर 100% अचीवमेंट हो चुकी है, आंध्र, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दादरा एंड नगर हवेली, केरला में 90-95% है, यूपी एंड हरियाणा में 85-90%, बिहार, जे एंड के सबसे कम अभी तक अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर आप देखोगे काफी कम जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, 5% से भी कम का टारगेट अभी तक अचीव किया है, ठीक है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस स्टेट के अंदर सबसे कम अचीवमेंट हुई है, तो अरुणाचल आप आंसर कर देंगे वहां पर। कुछ फाइंडिंग्स आपके नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने भी यहां पर दिए हैं रिलेटेड टू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, या आपको मेंस के अंदर हेल्प कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं कि एनपीसी की ये फाइंडिंग्स हैं। तो एनपीसी की फाइंडिंग्स क्या कहती है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नबार्ड ग्रेड ए वाले जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि फेज टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% फार्मर्स जिनको सर्वे किया गया उन्होंने क्या इन्फॉर्म किया, इस स्कीम से पहले किसी तरह का सॉइल टेस्टिंग नहीं होता था, तो डेफिनेटली स्कीम आने के बाद इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। 92% फार्मर्स ने बोला कि वो बैलेंस फर्टिलाइजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी ऐसी कोई, ठीक है। और सॉइल हेल्थ कार्ड की रिकमेंडेशंस के हिसाब से फर्टिलाइजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर यूज करने से केमिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का यूज जो है वो कम हुआ, 8-10% केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो कम हुआ। ओवरऑल यील्ड के अंदर भी इंक्रीज देखने को मिला 5-6% का, क्योंकि जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज है वो यूज किया जा रहा था। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं एनपीसी की जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कि क्या अचीवमेंट हुआ या ऐसा कुछ अगर आ जाता है। चलिए, विद दिस वी आर डन विद द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अगर कोई डाउट हो या आपको लगे कि कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पोस्ट कर दीजिए, या टेलीग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, ताकि और ज्यादा बेटर वे में मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आ सकूं। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।